नहीं मुझे पता था क्या प्रोग्राम नहीं होगा। दोस्तों इस बार के बिग बॉस OTT सेकंड सीजन में बहुत बार ऐसा लगा है कि बिग बॉस का पूरा शो ही कॉम्प्रोमाइज्ड है और स्क्रिप्टेड है, और हाल ही में पूजा भट्ट की बातों ने ये साबित कर दिया है कि भैया बिग बॉस कम्प्लीटली बायर चल रहा है पूजा भट्ट के कहने पर। देखिए पिछले हफ्ते नॉमिनेशन टास्क से पहले पूजा भट्ट को 8 घंटे के लिए मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, जहां पर बिग बॉस वाले पूजा भट्ट को बता देते हैं कि इस बार की नॉमिनेशन किस तरीके से होने वाली है, और जब नॉमिनेशन का टाइम आता है तो पूजा भट्ट को पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं कि किसको किस तरीके से नॉमिनेट करवाना है। और दोस्तों इसका खुलासा खुद पूजा भट्ट की बातों से ही हो गया है। जब नॉमिनेशन टास्क के बाद अविनाश पूजा भट्ट से पूछता है कि आखिर आपने अभिषेक को ग्रीन एप्पल देकर उसे सेव क्यों किया, क्योंकि वो तो वैसे भी पब्लिक के वोटों से सेव हो ही जाता, तो आपको वो ग्रीन एप्पल या तो मुझे देना चाहिए था या बेबिका को या फिर जैड हदीद को, ताकि हम तीनों में से कोई भी नॉमिनेट होने से बच सकता था। जिस पर तुरंत पूजा भट्ट कहती है कि तुम तीनों नॉमिनेट हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम तीनों लोग नॉमिनेट होगे ही नहीं। और जैसे ही अविनाश ये बात सुनता है तो तुरंत वो पूजा भट्ट से पूछता है कि हाउ कैन यू बी सो श्योर, आपको कैसे पता है, आप इतने श्योर कैसे थे कि हम सभी नॉमिनेट नहीं होंगे, मनीषा रानी और आशिका भाटिया ही नॉमिनेट होंगे। जिस पर पूजा भट्ट तुरंत फिर अपनी बात को छुपाती हुई कहती है कि बस मुझे पता था और मुझे गट फीलिंग्स थी कि तुम लोग बच जाओगे और केवल मनीषा और आशिका ही नॉमिनेट हो जाएंगी। मतलब कि दोस्तों एक आदमी इतना श्योर कैसे हो सकता है कि उसको पहले से ही पता हो कि दो ही लोग नॉमिनेट होंगे, जिनके नाम भी उसको पहले से ही पता हो कि भैया ये ही दो लोग नॉमिनेट होंगे। इससे साफ पता चलता है कि जब 8 घंटे के लिए पूजा भट्ट को मेडिकल रूम में बुलाया गया था, वहाँ पर नॉमिनेशन के चलते डिस्कशन हुआ और डिसाइड किया गया कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन नॉमिनेट होगा। दोस्तों बिग बॉस वाले ही पूजा भट्ट को लेकर इतने बायर्स हो जाएंगे तो फिर शो को बनाने का क्या फायदा, और क्या ही फायदा है ऐसे शो को देखने का। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस शो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।